ये जगह से जब मैं लास्ट ईयर जा रहा था BMW में, इतना गंदे खड्डे थे और एक साल बाद अभी भी बना ही रहे। आई मे लुक स्लीपी लेकिन मुझे उठे हुए 4 घंटे के ऊपर हो गए, नहा धो के ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और आप में से कितने लोग ऐसा होता है कि जब आप ट्रैवल करते हो, रिसोर्ट में आते हो और जैसे ही ब्रेकफास्ट किया उसके बाद आपको भयंकर नींद आना शुरू हो जाती है, इवन यू हैव स्लेप्ट फॉर लाइक 12 आवर्स। मेरे साथ हमेशा होता है व्हेनेवर आई ट्रैवल। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चैनल्स तेरे साथ ऐसा होता है चैनल्स? जहाँ तक मुझे लगता है ये हमारे साथ इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी और माइंड स्पेशली रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। भाई तुम तो आराम घूमने आए हो, नाश्ता करके फिर से सो जाओ। चेकआउट करने का मूड तो नहीं है लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हम लोग छोड़ नहीं रहे रिसॉर्ट, पहले मैं गाड़ी में सामान रख के वापस आऊँगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक वाइन टेस्टिंग टूर है वो लेंगे। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करूँ, मैं टाइम पास खड़े रहूँगा, इन लोग को फोटो वीडियो लेने गए। ये जो पूरी गाड़ी है एट इट्स ऑल फॉर माई सेल्फ। तो अच्छी बात ये है कि आज यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो बोलने पूरी तरीके से इसको कवर नहीं किया है। काफ़ी अच्छा बना दिया है। लास्ट टाइम जब मैं आया था इट वॉज 2015 एंड नाउ इट लुक्स लाइक अ कम्प्लीट डिफरेंट प्लेस। इट हैज थैंक यू। सामान रख दिया है, अभी थोड़ा फाउंटेन के बाजू में बैठूंगा। इटली जैसा लग रही है। वाह वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग को यहाँ पर एक और दिन एक्सटेंड करने का प्लान था बट प्रॉब्लम यह है कि ये जगह हाउसफुल है, रूम ही अवेलेबल नहीं है। एंड एक और चीज़ है कि जगह इतनी अच्छी है बट उतना अच्छा फ्रॉम द हॉस्पिटल इंडस्ट्री आई नो। अरे वाह वेरी नाइस, टेल फास्ट, वेरी नाइस। सैन फ्रांसिस्को गिराडेली स्क्वायर, हां ऐसे कुछ था। आई वाज डूइंग द बुकिंग फॉर माय पेरेंट्स, आई आस्क्ड यू निकल शुड आई डू इट फॉर टुडे। नहीं वो बात नहीं है, एक्सटेंड नहीं किया, आई कैन अंडरस्टैंड एंड नॉट मी, इवन हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले हमको यहाँ पर, वो सेम बोल रहे थे बट कोई नहीं, होता है, इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सब लोग अपना फोटो ले रहे हैं बिकॉज फोटो लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इटली वाला वाइब्स, यूरोप वाला वाइब्स थोड़ा बहुत आता है लेकिन आज उतना प्लेजेंट नहीं जितना कल था। बिकॉज कल जब आए थे तो बारिश गिरी थी, 23 था, अभी 26 है, सूरज देवता अपने प्रकोप पे है, सनलाइट है तो फोटो बहुत अच्छी आ रही है। बारिश हो रही होती है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती बट सो फार सो गुड। अभी हम लोग टूर लेंगे और फिर निकल जाएंगे। एक्चुअली प्लान था कि अभी निकलने का, फिर मैंने बोला अभी निकलेंगे खामागा मुंबई में ट्रैफिक मिलेगा तो जितना हो सके, अब पैसे दिए हैं रूम नहीं तो क्या हुआ, जगह को तो वसूल करते हैं ना, तो एज ए हिंदुस्तानी वसूल करना अपना काम है। इतने सारे मुंबई के लोग आए हैं, मुझे लगा नहीं था कि वीकडे को भी पूरा हाउसफुल रहेगा, गाड़ियाँ आती जा रही है बट आई कैन अंडरस्टैंड अभी थोड़ा बहुत अगर मौका मिला है। सो दिस इज अ प्लेस लॉट ऑफ पीपल क्लिक पिक्चर, दिस इज अ वेन्यू। हमारा बड़ा मन था वहाँ पर ऐसा फोटो निकालने का, स्पेशली यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी लोग फोटो निकाल रहे थे। लोग चले जाएंगे तब हम लोग अपनी फोटो निकालेंगे। मेरी जो 6 साल पुरानी फोटो है वो जो लेन है उसके बाहर सुला विनियर्ड, वो अंदर नहीं आया था उस टाइम। बट यार कितना अच्छा जगह है, हवा, फ्रेश हवा, फ्रेश ऑक्सीजन, कोविड मर जाएगा इधर। हां क्या पिकनिक करने देना चाहिए। हां हां लाइक हाउ ह्यूमंस आर मॉन्स्टर्स, जहां जाते हैं गंदा कर देते हैं। मेरा पैसा, 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 पैसा। अरे कितना आवाज करेगा तू, ये एटीएम मशीन कितना आवाज करती है, पैसा तो दे। एक एक नोट गिन रही है, टिक 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 टिक। चलो चल टूर लेके आते हैं तब तक पैसा आ जाएगा। शट अप, कर क्या रही है। पैसा नहीं आया, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। ये पोपोटोने का नया म्यूजिक है, ट्विंग 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 ट्विंग। एटीएम सब फोन के कैमरे इतने अच्छे हो गए कि कैमरे की वैल्यू खत्म हो गई है। सब लोगों को फोन से फोटो लेना है, कैमरे से फोटो लेते हो तो क्या कैमरा इतना फोकस करता है ना आप पे कि पीछे सब ब्लर कर देता है, लेकिन फोन क्या करता है सब कुछ फोकस पे रखता है। तो इसके लिए कैमरे से फोटो, मैं बस कैमरे से फोटो लेता हूं, बाकी सब फोन से फोटो लेते हैं। दैट इज लुकिंग वेरी इजी, बाली बाली। यू वांट बियर, बियर बियर, यू वांट वाइन, दारू पार्टी, लुकिंग फॉर दैट नहीं बाली। एक्चुअली मैं एक टाइम पे रियल रिक्शा था, मैं यहां पर सैडलिंग करने, कैसे खुलने का, बाहर से खुलने, अच्छा ये दबा के खुलने का, अच्छा मेरा फंस गया क्या। ये बहुत शार्प एजेस है यार, संभल के पकड़ना पड़ता है, मेरे को मालूम मेरा हाथ कट जाता। शुड वी टेक दिस रिक्शा फॉर सरन अंकल एंड गो? हां सुरन बाजी की छोटी बात मत कर, अपनी बाइक्स बेचेंगे ना, पूरा सुला विनियर्ड खरीद लेंगे। वो है। ये तो नकली वाली है, बोलो मैंने और शानिज ने कौन से कंट्री में ऐसा असली वाला सेम ये कलर का ना कहाँ चला है, बोलो कौन सी कंट्री। ये कलर नहीं था, दूसरा कलर था बट इट वाज वेरी गुड। बट 3 पेडल नहीं था, 2 पेडल था। इट्स माय फेवरेट कंट्री। अराउंड 2 या 3 साल पहले जब मैंने टाइगर नहीं ली थी तो मैं और शानिज गए थे फ्रिटेली, वहाँ पर वाइन टेस्टिंग और टूर किया था, तो मैंने और शानिज ने कर दिया लेकिन शानिज की मम्मी रेडी और सिस्टर ने नहीं किया तो वो लोग कर रहे हैं। ये जगह देख के याद है, हम लोगों ने स्कॉटलैंड में भी किया था, शोभित वॉज वेरी इंटरेस्टेड ओवर दैट। विस्की डिस्टिलरी, वो विस्की था क्या, वाइन फ्रिटेली में किया था सर, इंडिया में। अगर हम लोग
अभी जिस रूम में हम लोग आए हैं वहाँ का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वाइन एज होती है और 12 डिग्री में धुआं निकल रहा है मुझसे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पर। अभी सब एंट्री पे थे तो मैंने बोला क्या उनको वापस पार्किंग में लेके आऊँ, तो मैं अकेला ही चल के आ गया। ओहो हो हो, हमारी फेवरेट, क्या बात है, मेरी गाड़ी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। बट कोई नहीं, अपने पास भी कोई कम छोटी गाड़ी नहीं है भाई, ले लेंगे वो भी आने वाले कुछ बहुत सारे सालों में। तो हाँ, आई 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 मेरा पैर कीचड़ में गया। बाई चांस मेरा वीडियो देखकर यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो उनको पहले ही फोन पे बोल देना कि हमको स्विमिंग पूल के बाजू वाला रूम दे, स्विमिंग पूल फेसिंग रूम दे, यहाँ पर आके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप अकेले लड़कों का जा रहे हो तो कोई भी रूम मिले क्या फर्क पड़ता है हमको, सिर्फ लड़कों को। बॉयज जस्ट वॉन्ट्स टू हैव फन एनी वेयर एनी टाइम। ऑल डन, सब सामान अंदर हो गया, सब लोग भी अंदर बैठ गए, बारिश के बादल भी आ गए, मतलब बारिश होने वाली है। बाबा इस सुधा विनयर्ड, अभी मिलते हैं, पता नहीं कभी भी, प्रोबेबली अगर निकिता की शादी होती है तो मिल जाएंगे निकिता की शादी में ना। निकिता की शादी में हम लोग मिलेंगे, यस। बोलू चलेगा ना, धूप आएगी तो, वैसे धूप नहीं, बादल आ गए अभी। अब चलो लेट्स गो। रिजॉर्ट का स्टाफ वाज ओके ओके, जो भी पूरा टूर का स्टाफ था दे वर 10/10, एक नंबर। जब भी कहीं से निकलता हूँ आई कांट वेट टू गो होम एंड गो टू माय काउच एंड वॉच यूट्यूब। यूजुअली हम ऐसा 2,000 किलोमीटर से निकलते हैं। कुछ ये जो वन डे का ट्रिप था ना, इट वाज मोर फन देन गोवा। गोवा में हमने कुछ नहीं किया। अब ये मत बोलना बारिश की वजह से, इट्स बिकॉज़ ये जगह हमने पूरे टाइम कुछ ना कुछ किया। जगह में ब्यूटीफुल प्लेस, अगर मजा आएगी मतलब सही। अभी फ्यूचर में भी करेंगे अपना। और एक कौन सा, विवेदा बेस्ट प्रॉपर्टी इन नासिक, विवेदा भी आएंगे। बट विवेदा इज मोर लाइक अनवाइंड योरसेल्फ, मेडिटेट, रिलैक्स। अचानक में बहुत तेज बारिश आ गई भाई साहब, बहुत तेज बारिश आ गई। रस्ते में डांस कर लोग आए बाहर, तो रस्ते में डांस भी करेंगे, सोएंगे भी, नाचेंगे, फैमिली है, एंजॉय। ये जगह से जब मैं लास्ट ईयर जा रहा था BMW में, इतना गंदे खड्डे थे और एक साल बाद अभी भी बना ही रहे। ये पता नहीं ये पैच में इतना गंदा क्यों हो जाता है। ये जो ट्रैफिक खत्म नहीं हो रही, जब सेम रास्ते से आ रहे थे तो गूगल मैप ने आगे से मुझे यू टर्न लेके टर्न मरवा दिया था अंदर से आने के लिए। मैंने बोला कि क्या करूँ, भरोसा करूँ कि नहीं करूँ। अच्छा हुआ कि मैंने गूगल मैप पे भरोसा किया, अगर नहीं करता तो जिस तरह आज मैं ट्रैफिक देख रहा हूँ, कल मैं इस ट्रैफिक का हिस्सा रहता और पागल हो गया रहता और नासिक और लेट पहुंचता। दिस पार्ट वाज 1.2 आवर स्लोअर, और गूगल मैप 1.2 आवर स्लो बोलती है तो गारंटी नहीं, वो 2-3 घंटा स्लो भी हो सकता है। अरे मक्का कट्टा है, बच गए। कम से कम बोलो 2 किलोमीटर तक का पूरा ट्रैफिक जाम है। आराम से, आराम से 2 किलोमीटर आराम से, आराम से एकदम। और ये हमने कर दिया 167 किलोमीटर विद इन ईज। नहीं, बीच में बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत इरिटेशन हुई, बारिश ऑन एंड ऑफ हो रही थी, बारिश आ रही थी फिर धूप आ रही थी। गाड़ी में तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन एज अ बाइकर मुझे बाकी बाइक वालों को देख के बड़ा बुरा लगता है यार, ऐसा होता है जिसमें से काफी अपने सब्सक्राइबर भी थे। चलो बाय बाय, बाय बाय, चलो बाय, थैंक यू निखिल फॉर ड्राइविंग सो फार एंड टेकिंग। निखिल का स्पेशल मैसेज डाल देना वीडियो में। अब अगली बार अपनी 6th या 7th सीटर भी खुलेगी जहाँ पर मम्मी बैठेगी मेरी, सॉरी मम्मी आगे बैठेगी, भूल गया। एंड वी आर बैक टू आर ब्यूटिफुल हाउस। मुझे पता नहीं कब ऐसा टाइम या दिन आएगा जब मैं घर आके बोलूँगा ओके आई एम जस्ट बैक, बट आई स्टिल फील अमेजिंग वेन एवर आई एम बैक टू माई हाउस। अभी थोड़ा फ्रेश होते बिकॉज आई एम लुकिंग रियली टेरेबल, सो सी यू इन टू सेकेंड। ऐसा मुँह धोया, ऐसा लेटा, और शानिज मैडम ने क्या बोला कि कुछ भी घर पर नहीं है, अंडा नहीं, दूध नहीं, हाँ ओट्स नहीं है, ब्रेड नहीं है और दूध नहीं है, चार। हाँ तो चार चीज और 10 चीज अभी जगह लेके आना पड़ेगा। लेटा, चलो स्कूटर नहीं, अच्छा हुआ स्कूटर लेके आया, इसी क्षण के लिए मैं स्कूटर लेके आया था मैडम। चल, सिर्फ एक चीज नहीं मिली, वो है अंडे, और वो शानिज लेने गई यहाँ पर, मैं इसका वेट करता हूँ यहाँ पे। देखो अब चार चीजें लेने आए थे और कितना बैग भर गया, और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने बूट के अंदर भी रखा है बिकॉज ये फुल हो गया था। शाबाश शानिज, इन अ गुड वे शाबाश, इन अ गुड वे शाबाश, बहुत ही अच्छा मूव किया शानिज ने। हम लोग गए थे, बहुत सारा सामान लेके आ गए, अभी फिर से जाने की जरूरत नहीं रही, लेकिन एक चीज में मेरी चोरी पकड़ी गई, तो मुझे कॉफी चाहिए थी, तो मैंने शानिज को बोला, अब जो भी बोला शानिज को, जब निखिल एकदम ऐसा कडलू पुडलू करने लगे मेरे साथ, नहीं जस्ट लाइक बेबी, मैंने कहा यू वांट कॉफी राइट, तो हंसने लग गया। मैंने कहा मैं एग्जैक्टली जानती हूँ जब निखिल कुछ चाहिए तो बेबी ऐसे बोलता है वो, या फिर जब उसको खाना चाहिए करता है शानिज ओट्स मिलने का क्या चांस है मेरा, ऐसे ही करता है। शानिज ओट्स मिल सकते हैं क्या, मैं भाग के आ रहा थक गया थोड़ा, मिल सकते नहीं, मिलने का चांस क्या है बेबी, कॉफी मिलने का चांस क्या है, ऐसे तो स्टार्टिंग में एकदम प्यार बेबी शानिज, और जब तेरे को बाहर जाने का शानिज क्या, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तू बहुत हरा एकदम पकड़ लिया।
अभी मेरे को सीखना पड़ेगा, I will adapt to the situation. ऐसे ही बोलते कि पत्नी सब जानती है अपने पति के बारे में। मैं कैमरे को रख रहा हूँ बाजू में और फोन से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज फोन में थोड़ा जूम होता है और आपको लाइटिंग समझ में आएगी। तो ये आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग के पीछे, ये है हमारे चंद्र मामा। तो कितना ब्यूटीफुल खूबसूरत दिख रहा है, बड़े दिनों बाद आई वुड से मुंबई में इतना जो है क्लियर स्काई दिखाई दे रहा है। तो अगर चंद्रमा थोड़े ऊपर यहाँ पर आएंगे तो आपको और एक बार दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम कुछ नहीं, हम बस घर में चिल कर रहे हैं। प्रॉबेबली विल गो फॉर अ वॉक, लेट्स सी, वी आर स्टिल डिसाइडिंग। ऑल दो ज़्यादा दूर जाके नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो थकान हो ही जाती है, या फिर आई वुड से कि जब भी हम घर में अपने काउच पे बैठते हैं तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मून तो ऊपर आ गया है, लेकिन ये देखो बादल जो है कवर कर लिए हैं। वॉट एवर इट इज गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग फॉर वॉट एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, शुक्रिया अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। सो गई शब खैर, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पार्टी शर्टी नहीं करने का।